नारनौल में नेशनल हाईवे नंबर 11 पर गांव भांखरी के पास हुए एक सड़क हादसे में करीबन 40 महिला व पुरुष घायल हो गए। इनमें से 5 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी टाटा 407 में बैठकर शोक प्रकट करने के लिए गांव भूषण गए हुए थे। वापस आते समय ये हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग जमा हो गए। वहीं घायलों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। गांव गोद की करीब 40 महिलाएं व पुरुष शोक प्रकट करने के लिए टाटा पिकअप में बैठकर गांव भूषण गए हुए थे। शोक प्रकट करने के बाद सभी वापस आ रहे थे। वे गांव से 2 किलोमीटर पहले गांव भांखरी पहुंचे थे कि गाड़ी का टायर फट गया। इसके बाद गाड़ी असंतुलित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार लगभग सभी महिला व पुरुष घायल हो गए। इनमें से 5 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी पुलिस व एम्बुलेंस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की एक दर्जन गाड़ियों ने घायलों को नागरिक अस्पताल में पहुंचा, जहां पर 5 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। इस हादसे के बाद सभी घायलों को नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां से सुरेश ऋतु नरेश नमक महिलाओं के अलावा गांव गोद निवासी करीब 10 से 12 महिलाओं को गंभीर अवस्था के चलते रेफर कर दिया गया। हादसा गांव से 2 किलोमीटर पहले ही हुआ था। हादसे के बाद महिलाओं में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो पूरा गांव मौके पर ही पहुंच गया। माता जी क्या नाम है और कहां गए थे, कहां से आ रहे थे और कितने लोग थे? मुकण घोड़ा सा गोद से और वो समूकण गया था, उल्टा जाता गाड़ी पलटी। फिर क्या बात हुई रास्ते? टायर पार्टी को गाड़ी। कौन सी गाड़ी में सवार थे, कितने लोग थे? लोग तो फिर बनने थे, वो 40-45 फिर बनने थे। कितने लोगों को चोट आई है? सबको ही आ रही है, कोई तो ज्यादा लागे कहेंगे कम लागे। कौन से गांव में मुकान आए थे आप? हम भूषण आया था। और कहाँ जा रहे थे वापसी? आप सासर जा रहे थे, गोदबलावा जा रहे थे। हाँ, गोद का एक्सीडेंट कहाँ हुआ? भांखरी। क्या नाम है, क्या मामला? मैं विनोद भील हूँ जो गोदबड़ा से। मेरे गांव का ही ये एक्सीडेंट का मामला है। ये कहीं मुकान गए थे जी, दरी पर बैठने के लिए ना जी, और ये एक्सीडेंट हो गए। तो इसमें 4-5 तो सीरियस हैं जी, औरों के ज़्यादा चोटें आई हैं। वैसे भगवान ने इनको बचा दिया, कुल मिला के ठीक हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सारे स्वस्थ जल्दी हो जाएं। और सारा गांव यहां बड़ा परेशान है, और सारे गांव के बच्चे और बुजुर्ग सब आ गए यहां, और इनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। इन डॉक्टरों की बड़ी सहायता रही, मेरे भाई मीडिया वाले भी बड़ी सहायता कर रहे हैं, और सभी लोग अब इनकी बड़ी हॉस्पिटलों में भेज रहे हैं इनको इलाज के लिए। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट का तो मेरे को फ़ोन आया था, ज़्यादा पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हुआ एक्सीडेंट है। देखो जी, कितनी महिलाएं थी? करीबन 20 करीबन महिलाएं होंगी जी। टोटल लोग 10 जेंट्स ही होंगे, इतना ही। हाँ, 30 से 40 आदमी।